नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल सुधांशु इंटरप्राइजेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बीएड इंटरेस्ट ऐसा हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आप कुछ गाइडलाइन आपको बता देता हूं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लास्ट डेट क्या होने वाली है, फॉर्म किस डेट से स्टार्ट होगा, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसके यहाँ पे आ जाना है बिहार सीईटी बीईटी वाले ऑफिशियल साइट पे। इसका लिंक हालांकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका होम पेज है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पे 20/2/2023 से 15/3/2023 तक इसका जो होगा आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 16/3/2023 20/3/2023 तक जो होगा आवेदन सबमिट होगा लेकिन लेट फाइन के साथ जमा होगा। और इसका एडमिट कार्ड जो इशू होगा दोस्तों 30/3/2023 होगा और जो इसका इंटरेस्ट एग्जाम होगा वो होगा 8/2/2023 सैटरडे को। यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन की हुई है, यहाँ पे आके देख सकते हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट दिया हुआ है, तो इसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको आवेदन करने से पहले। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जो है नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है रामेश्वर नगर दरभंगा में उसके तहत ये होने वाला है। अब उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में पत्राचार के लिए ईमेल अकाउंट यानी आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र इत्यादि से संबंधित एसएमएस संधारित सूचनाओं संदेशों को प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर आपको चाहिए, अद्यतन यहाँ पे रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आपको यहाँ पे सफेद पेज जो दोस्तों बोला गया है कि काले पेन से आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो आप सिग्नेचर करेंगे वो काले पेन से करेंगे और सफेद पन्ने पे करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा दी गई है कि नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड ये सब होना चाहिए। तो चलिए आवेदन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। होम पेज पे आने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों ऐसा इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया, इसे आप क्लिक करेंगे, ये कुछ सर्चिंग करेगा, उसके बाद से ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नाम ले लेना है या मिडिल नाम ले लेना है और यहाँ पे लास्ट नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहित कुमार शर्मा, तो आप यहाँ पे रोहित डालेंगे, कुमार डालेंगे यहाँ मिडिल नेम में और लास्ट नेम में शर्मा कर देंगे। अगर आपका केवल रोहित शर्मा नाम है, कुमार इसमें नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे और डायरेक्ट रोहित शर्मा डालेंगे। उसके बाद से आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद से यहाँ पे जेंडर ले लेंगे, मेल फीमेल अदर जो भी होंगे यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ फादर नेम डालेंगे, इसमें आप ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे दिया गया प्लीज नॉट गेट एनी सोल्यूशन लाइक मिस्टर मिसेज वगैरह, कुछ भी नाम नहीं डालना है, सिंपली अपना नाम डाल देना है। तो बस यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे अपने हिसाब से, आप जो भी बनाना चाहते हैं। लेकिन पासवर्ड बनाने से पहले आप दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे दिया गया है कि यो पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 करेक्टर to 20 करेक्टर, आपका पासवर्ड जो होना चाहिए 8 अक्षर से लेके 20 अक्षर के बीच होना चाहिए और इसमें एक होता है लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका रोहित नाम है तो आप पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, लिख लेंगे rohit@123 ऐसे करके आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पे कंट्री कोड 91 इंडिया के लिए भर रहे हैं तो आप यही रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल नंबर अपना यहाँ डाल देंगे, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा, आप इसमें मिला लेंगे कि आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही होगा तो कन्फर्म करेंगे। और कुछ चेंज करना होगा अगर लगता है कुछ मैंने गलत टाइप कर दिया है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, अदरवाइज अगर सब कुछ सही है आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, तो इस वाले एक्टिव योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे यूजर नेम और आपको इंटर एक ओटीपी जो आपके ईमेल आईडी पर गया है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आपके ईमेल आईडी पर गया होगा वो डालेंगे। यहाँ डालने के बाद से एक्टिवेशन कोड डालने के बाद से आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दिखाएगा, हाय आपका नाम दिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड हो जाएगा, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉग इन वाले ऑप्शन पे
आप क्लिक करेंगे। इसके बाद से फिर आपको होम पेज पे लेके चला आएगा। अब इसके बाद से आपको यहाँ आने के बाद से सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपका लॉग इन आई डी में आपका ईमेल आई डी हो जाएगा और पासवर्ड आप जो क्रिएट किए थे वो डाल के सबमिट करेंगे। लॉग इन करते हैं दोस्तों, ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, माई एप्लीकेशन और रिव्यू फॉर्म। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे देगा सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, यहाँ पे दिया है बीएड और यहाँ पे शिक्षा शास्त्री दिया हुआ है। तो आप बीएड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आप इसको रीड कर लेंगे और यहाँ पे आई हैव रीड वाले टर्म एंड कंडीशन पे टिक करके एड द प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद से दोस्तों आप देखिए मेरा सारा फॉर्म भरने के लिए रेडी होके आ गया है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहे हैं 1 से 6 तक आप यहाँ देख सकते हैं, सबको आपको बारी बारी से कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे कैंडिडेट नाम दिखाएगा और आपको यहाँ पे बोलेगा कैंडिडेट हिंदी नेम। तो आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है, आप हिंदी में यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। हिंदी में नाम लिखने के बाद से आपको यहाँ पे फादर नेम मदर नेम ऑलरेडी दिखाएगा और यहाँ पे आपको डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है, क्या बिहार के हैं कि अदर स्टेट के हैं। अगर बिहार लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मांगेगा, अदर स्टेट के लिए यहाँ पे आपको और कुछ ज्यादा ऑप्शन मांगेगा। तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से, और अदर स्टेट के लोग भरेंगे तो क्या होगा कि उनको कैटेगरी की लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है, आप इंडियन है या अदर है इसमें भर सकते हैं। कैटेगरी आप पूछ रहे हैं, अपना कैटेगरी भर लेंगे कि आप जनरल से है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अपना जो भी होगा वो भर लेंगे। उसके बाद से बिलोंग टू पूछ रहा है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आते हैं या नहीं आते हैं, आप देख लेंगे अपने हिसाब से इसको भर लेंगे। क्रीमी लेयर का मतलब दोस्तों की जो फाइल है 6 लाख रुपए थी, अभी 8 लाख रुपए के अगर अंदर आपकी वार्षिक आय है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। सॉरी, उससे ज्यादा है, अगर आप 8 लाख से ज्यादा है तो क्रीमी लेयर में आएंगे, अदरवाइज उससे कम है नॉन क्रीमी लेयर आप सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इस बात को आप ध्यान देंगे। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है दिव्यांग, इसमें आपको यस नो अपने हिसाब से भर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन करते हो आप डाले होंगे, जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा है कि आप सर्विस मैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस नो अपने हिसाब से भर लेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक समाज से है, तो अपने हिसाब से यस नो कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, पेन है, वोटर आईडी है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप जो भी होगा आपके पास सिलेक्ट कर लेंगे। उसका यहाँ पे नंबर डाल देंगे, अगर ऊपर आधार कार्ड लिए हैं तो उसका आधार कार्ड के यहाँ नंबर आएंगे। तो मैरिज स्टेटस डालना है, आप शादीशुदा है कि अनमैरिड है, अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस डालना है, यहाँ पे विलेज, यहाँ पे लैंडमार्क है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से यहाँ गाँव, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको दे रहा है, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन और यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांग रहा है, अगर आपके पास है तो डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है क्रॉस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और क्रॉस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला स्टेप आएगा दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर का, तो यहाँ से आप चूज करके सिंपली फोटो अपना अपलोड कर सकते हैं। इसका डायमेंशन दिया हुआ है नीचे दोस्तों, आपका कलर साइज का फोटो होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर के डायग्राम में होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG में होना चाहिए। वैसे ही सिग्नेचर दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे 100 KB में सिग्नेचर होना चाहिए और ओनली JPG और JPG ई फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे, चूज करके फोटो अपलोड कर लेंगे। इसलिए मैं आपको करके आप जहाँ भी आप रखे होंगे अपना फोटो वहाँ से आप ले लेंगे। इसलिए मैं रखा हूँ अपना, आपको दिखाता हूँ। देखिए फोटो और सिग्नेचर लोड करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव टू प्रोसीड करना है। करने के बाद से आपको एजुकेशनल डिटेल का कॉलम खुल के आ जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ 10th सेकेंडरी, यहाँ पे यानी आपके मैट्रिक का डिटेल भरना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बोर्ड ले लेंगे कौन से बोर्ड से आपने 10वीं की पढ़ाई की है। इसके बाद आप किस ईयर में पास हुए इसमें चूज कर लेंगे। यहाँ पे दिया स्कूल का नाम, आपने किस विद्यालय से पास किया है अपने विद्यालय का नाम यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क दिया हुआ है, कितने आपने नंबर प्राप्त किए थे वो डाल देना है और टोटल मार्क कितने थे वो डाल देना है और 8% ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप से देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट का डाल देना है और यहाँ पे ग्रेजुएशन का डाल देना है। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद से दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों अगला हमारा जो आएगा स्टेप आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट डिटेल और बीएड। आपको यहाँ पे अब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी मार्कशीट यानी 10वीं का
मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करना है। आप जहाँ भी रखे होंगे आप वहाँ से अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपका क्या होगा, बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से दोस्तों लोड हो जा रहा है। इसमें केवल क्या होता है कि आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो है 200 KB से कम होना चाहिए और JPG PDF कोई भी फॉर्मेट में होगा, सब एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हायर सेकेंडरी का मांग रहा है तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट का डाल देंगे और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि लोड करना है फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का। उसके बाद से दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी से EWS, SC, ST, EBC और BC इन पांचों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप दिया है कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द फादर नेम, यानी फादर के घर से आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी की लेडीज है और उनकी शादी बिहार में हो गई है तो यहाँ से बिहार से उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, वो उनके मायके से उनके पिता के एड्रेस से ही बनेगा। इस बात का दोस्तों आप ध्यान देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद से दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर डालने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस 1, 2, 3 करके, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे अपने हिसाब से कि आपको कहाँ कहाँ नियरेस्ट पड़ेगा, अपने हिसाब से आपको उसको ले लेना है। लेने के बाद से आप क्या करेंगे दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे अच्छे से अपने सारे डिटेल्स को मिलान कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे आई कन्फर्म द एबव यानी ऊपर सारे मेरे डाटा सही है तो इस पे टिक करके कंफर्म करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि मिस्टेक हुआ है कुछ भरने में तो आपको यहाँ पे गो बैक ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ ओके करना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कि आपको कितने अमाउंट ऐड करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पेमेंट मोड ले लेंगे, ऑनलाइन आपको कर लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, SBI नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। आप जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं उस पे टिक कब करेंगे और यहाँ नीचे दिया है प्रोसीड टू पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको आ जाएगा नेट बैंकिंग का ऑप्शन, उस पे से फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद से यहाँ पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल होगा। उसके बाद से आवेदन को क्या करेंगे, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी करके अपने पास रख लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल लाइक कर दें ताकि इस तरह की आपके लिए मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।